आज के स्पीड लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर एपी से है। छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, द लीस्ट इज हाफ द ग्रेटेस्ट, देन फाइंड द एंगल्स। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के जो एंगल्स है वो एपी फॉर्म करते हैं और इस ट्राइंगल का जो सबसे छोटा एंगल है वो सबसे बड़े एंगल के हाफ के इक्वल है, तो फिर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा, ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या निकालना है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोगों को लेट करना पड़ेगा तीनों एंगल्स को, और जब भी कभी हम लोगों को तीन नंबर्स को लेट करना हो जो कि एपी फॉर्म करते हो तो कैसे लेट करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम लोग बीच वाले को कंसिडर करते हैं और उसको मान लेते हैं ए, और इसके बाद वाले नंबर को हम लोग मान लेते हैं ए प्लस डी, और सबसे पहले नंबर को हम लोग लेट करते हैं ए माइनस डी। तो ये तरीका है तीन नंबर्स जो कि एपी फॉर्म करते हैं उनको लेट करने का। ठीक है, तो पहला एंगल क्या होगा ट्राइंगल का, ए माइनस डी, दूसरा होगा ए, और तीसरा एंगल होगा ए प्लस डी, जहां पर डी जीरो से बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा और ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इस बात को मेंशन कर देते हैं पहले। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, जहां पर डी जीरो से बड़ा है, और डी जीरो से बड़ा होने से क्या हुआ, ये सबसे छोटा एंगल बन गया और ये सबसे बड़ा एंगल बन गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये तीनों एंगल्स ट्राइंगल के हैं, और अगर ये तीनों ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो फिर इनका सम कितना होना चाहिए, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं नाउ फर्स्ट एंगल क्या है ट्राइंगल का, ए माइनस डी, जबकि दूसरा एंगल है ए और तीसरा एंगल है ए प्लस डी, और जब इन तीनों एंगल्स को प्लस किया जाएगा तो इनका मेजरमेंट किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा कहती है। ठीक है, अब ब्रैकेट कर दीजिए ओपन, तो ए माइनस डी ब्रैकेट ओपन किया प्लस ए लिखा हम लोगों ने, ये ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, तो ये क्या बन गया, ए प्लस डी, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये नेगेटिव है डी और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए, ए प्लस ए प्लस ए मिलकर क्या हो गया, ये बन गया 3a एंड दिस इक्वल टू 180। हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं इस 3 को ट्रांसपोज करके, तो a इक्वल टू कितना हुआ, 180 अपॉन 3, इसका मतलब a निकल आया 60 डिग्री। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की गिवन कंडीशन पर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि इस ट्राइंगल का जो सबसे छोटा एंगल है कौन सा होगा, सबसे छोटा ए माइनस डी होगा, वो सबसे बड़े एंगल के हाफ के इक्वल, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, ए प्लस डी। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा एंगल है वो क्या है, ए माइनस डी, तो ये एंगल इक्वल होगा किसके हाफ के, किसके हाफ के, सबसे बड़े एंगल के हाफ के, और सबसे बड़ा क्या है, ए प्लस डी है। अब करते हैं इसको हम लोग सिंप्लीफाई, ये है क्वेश्चन की कंडीशन। अब देखो अपॉन में 2 है ना, तो इस 2 को कर दो सबसे पहले इधर ट्रांसपोज, तो ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तब लिख सकते हैं इसको 2 इंटू ए माइनस डी, एंड दिस इक्वल टू इधर क्या रहेगा, तब ए प्लस डी रहेगा। 2 ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई जब ए में करेंगे तो बना 2a, 2 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो बनेगा माइनस का 2d इक्वल टू ए प्लस डी, राइट ना। अब ए वाले टर्म्स एक तरफ और डी वाले टर्म्स एक तरफ, तो ए वाले तो इधर लेके आ रहे हैं और डी वाले टर्म्स को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 2a इधर आएगा तो ये माइनस का a होगा, एंड दिस इक्वल टू डी अपने प्लेस पर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2d। ठीक है, तो 2a माइनस a हुआ a इक्वल टू d, और 2d कितना हो जाता है, ये बन जाता है 3d, बट a की तो वैल्यू है ना हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कितनी, 60 रख दीजिए इसके प्लेस पे, तो 60 इक्वल टू वॉट, 3d। ठीक है, इसका मतलब d कितना हुआ, 3 को कर दो ट्रांसपोज, डिवीजन में जाएगा तो 60 अपॉन 3, और इस तरीके से d की वैल्यू क्या निकल आई, तब d की वैल्यू हम लोगों को मिलती है कितना, 20, करेक्ट है। अब फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, फाइनली हम लोगों को निकालना है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो कि हम लोगों ने a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेट करे हैं। चलिए इनका मेजरमेंट फाइंड करते हैं। तब देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या होगा, तब फर्स्ट एंगल हम लोगों ने लेट किया है क्या, a माइनस डी ना, तो ये है a माइनस डी। अब a की वैल्यू जानते हैं, रख देते हैं कितनी, 60। d की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है कितनी, 20। तो 60 माइनस 20 कितना हो गया, ये हो गया 40 डिग्री। तो 40 डिग्री है इस ट्राइंगल का फर्स्ट एंगल। दूसरा एंगल हम लोग निकाले, तो दूसरा एंगल हम लोगों ने लेट किया था क्या, a, तो दिस इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, मतलब ये है दूसरा एंगल ट्राइंगल का। इसी तरीके से जब हम लोग थर्ड एंगल निकाले तो क्या लेट किया था, थर्ड एंगल a प्लस डी लेट किया था हम लोगों ने। अब a की जगह पर रखिए a की वैल्यू जो कि कितनी है, 60 डिग्री, प्लस d की जगह पर d की वैल्यू 20 डिग्री रख देते हैं,
और 60 और 20 कितना हो गया 80 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल्स क्या निकल आते हैं ट्राइंगल के, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, और ये बन जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।